औरतें अपना खुद का सीक्रेट समाधान कर लेती है उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। औरतें अपना खुद का सीक्रेट समाधान रहस्यमय रीतिया चुपचाप कर लेती है, और वो कैसे करती है, वो खुद हस्तमैथुन करके। अभी तक क्या था, लोगों को ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं सिर्फ मर्द ही पुरुष ही हस्तमैथुन करते हैं, नहीं औरतें भी करती है हस्तमैथुन और अपना खुद का समाधान कर लेती है। अलग अलग स्टैटिस्टिक्स जो है, अलग अलग अभ्यास जो बताते हैं उसके मुताबिक 18 से 19 साल की उम्र में जो औरतें हैं उसमें 60% मास्टरबेशन करती है, 25 से 29 साल जिनकी उम्र है 25 से 29 साल उसमें 72% औरतें मास्टरबेशन करती है, 60 से 69 47% औरतें मास्टरबेट करती है, इतना ज़्यादा प्रमाण है। जब औरतों की स्टडी किया तो 81% औरतों ने बोला कि उन्होंने अपने ज़िंदगी में कभी ना कभी मास्टरबेशन किया हुआ है, और 95% पुरुषों ने बताया कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी ना कभी मास्टरबेशन किया है, इतना प्रमाण है। 81% औरतें और 95% पुरुष कभी ना कभी किया हुआ है ज़िंदगी में। 10 में से 4 औरतों ने ऐसा बोला है कि वो मास्टरबेशन को प्रिफर करती है सेक्स से भी ज़्यादा, क्योंकि सेक्स में उनका समाधान नहीं हो रहा है, मास्टरबेशन में अपने टाइम से आराम से खुद का समाधान अच्छा कर सकती है, कर लेती है, इसलिए वो सेक्स से भी ज़्यादा मास्टरबेशन को प्रिफर करती है। 21.8% औरतों ने बोला कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी मास्टरबेशन किया ही नहीं, ज़िंदगी में किया नहीं। ज़्यादातर औरतें 14 साल की उम्र में जब वो उनकी महावारी शुरू होती है, लड़की की औरत बन जाती है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक शुरू होते आना तब वो चालू करती, ज़्यादातर एट द एज ऑफ 14। 27% औरत ने बताया कि वो हर हफ्ते में 2 से 3 बार मास्टरबेशन कर दिया, और 26% औरत ने बताया कि एक सप्ताह में एक बार वो मास्टरबेशन करती है। एक जो स्टडी किया उसमें पूछा गया औरतों को और मर्द को, पुरुषों को, तो पिछले महीने में कितने बार मास्टरबेशन किया ऐसा पूछा गया, तो 41% औरतों ने बोला कि हमने पिछले महीने में कभी ना कभी मास्टरबेशन किया हुआ है, और 64% पुरुषों ने बोला कि हमने पिछले महीने में मास्टरबेशन किया हुआ है एक या अनेक बार। तो ये स्टैटिस्टिक्स है, इस पर से आपको मालूम होगा कि मतलब मास्टरबेशन औरतों में होना बहुत ही कॉमन है, ऐसा कुछ इसमें गंदगी नहीं है, गलत नहीं है, और कोई ताज्जुब की बात बिल्कुल ही नहीं है। मास्टरबेशन से क्या होता है, मास्टरबेशन से एक तो उनको अच्छा लगता है, पुरुष को या स्त्री को अच्छा लगता है, उनको अपनी बॉडी पार्ट्स को खोजने में मदद होती है कि भाई कौन सा बॉडी पार्ट ज़्यादा सेंसिटिव है, और तीसरा एनर्जी जो है वो एक उसको एक चैनल मिल जाती है एनर्जी को, और उसको शांत लगता है, मन को शांति आती है। फिर इसमें किस तरह का मास्टरबेशन वो करती है, अलग अलग प्रकार है मास्टरबेशन के। तो कुछ औरतें क्लाइट्रल स्टिम्युलेशन करती है, मतलब योनि लिंग जो है उसको स्टिम्युलेट करके मास्टरबेशन करती है। अब उसको स्टिम्युलेशन उंगली से हो सकता है, या वाइब्रेटर से हो सकता है, या कहीं घिस के भी हो सकता है। तो औरतें अपने दोनों थाइस जो है उसको घिस के भी कर सकते हैं, करती है, या तकिया को रब करके करती है, या कोई भी हार्ड सरफेस रहा उसको घिस के वो मास्टरबेट करती है। अभी इसमें इंजरी होने की संभावना है तो वो भी ज़रा सोच समझ के करना चाहिए। सेकंड, कुछ औरतें वजाना में उंगली डाल के, या वजाना में कोई ऑब्जेक्ट डाल के, या वजाना में सेक्स टॉय डाल के खुद को एंजॉयमेंट लाती है, मास्टरबेट करती है, उनको मज़ा आता है। अभी इसमें सभी में ये देखना चाहिए कि भाई जो चीज़ हम अंदर डाल रहे हैं तो वो चीज़ सही है कि नहीं, मतलब ख़राब है क्या, साफ़ सुथरी है कि नहीं, धुली हुई डिसइन्फेक्टेड है क्या। फिर उंगली से यदि कर रहे हैं तो नाखून बड़े नहीं होना, छोटे होना नाखून, उंगली साफ सफाई की हुई होना। और कोई ऑब्जेक्ट से आप करते हैं तो उसके ऊपर आप कंडोम लगा सकते हैं क्या, या खुद फीमेल कंडोम औरतें इस्तेमाल कर सकते हैं फीमेल कंडोम, और वो लगा के भी हस्तमैथुन करते ताकि वजाना में कोई इन्फेक्शन या इंजरी ना होए। अब तीसरा प्रकार है इरोजिनस जोन को एक्सप्लोर करना। इरोजिनस जोन मतलब सेक्स का स्टिम्युलेशन एक्साइटमेंट देने वाले जोन, वो हो सकता है कि लिप्स है, ब्रेस्ट है, फिर बटक्स है, ग्रोइन का पार्ट है मतलब वजाना के आसपास का पार्ट है, निपल्स है। तो ऐसे अलग अलग पार्ट को स्टिम्युलेट करके खुद को डिस्कवर करना और उसमें एक्साइटमेंट लाना, तो एक प्रकार इरोजिनस जोन का हो सकता है। फिर चौथा प्रकार है वो है एनल मास्टरबेशन, मतलब मोशंस जहाँ से होती है
लेटरिन जहाँ से होती है वहाँ उंगली डाल के या कोई पदार्थ डाल के मास्टरबेशन का आनंद औरतें लेती है, और वहाँ डालने के बाद में जो जी स्पॉट है जो एनल और वजाइना के बीच के दीवार पे होता है तो उसको भी स्टिमुलेशन अच्छा मिल सकता है और उनको बहुत आनंद आ सकता है। अभी इसमें एनल में क्या होता है कि कोई आप पदार्थ अंदर डालते हैं तो उसे इंजरी हो सकती है, तो जो डालेंगे वो भी एकदम सॉफ्ट होना चाहिए और ल्यूब्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। फिर पांचवा प्रकार है कॉम्बो, मतलब ये सब जो मैंने बताया अभी इसका कॉम्बिनेशन पूरा करना, और कॉम्बिनेशन से अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन में मास्टरबेशन करना, वो भी प्रकार हो सकता है और इससे भी बहुत आनंद आता है। तो ऐसे पांच प्रकार है। नंबर एक मैंने बताया कि क्लाइटोरल स्टिमुलेशन है, नंबर दो वजाइनल स्टिमुलेशन है, नंबर तीन इरोजिनस जोन है, नंबर चार एनल है, और नंबर पाँच कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल है, कॉम्बो। तो ऐसे पांच प्रकार है फीमेल मास्टरबेशन के। अभी मास्टरबेशन कैसे करना, ये भी पूछते हैं लोग कि मास्टरबेशन में आनंद कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। तो नंबर एक, आपका मूड सेट करो। मूड सेट करना बहुत ही जरूरी है। यदि आप बहुत इरिटेट हुए हैं, नर्वस है, डिप्रेस है, चिंतित है ना, तो सब कोई मज़ा नहीं है, तो फिर उस समय ज़बरदस्ती करने में मज़ा नहीं है, तो वो नहीं करना है। ज़बरदस्ती मास्टरबेशन नहीं करना है, नंबर एक। फिर आप कमरे में शांति होना है, मतलब बाकी कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना, हल्का सा ब्लू लाइट है, और आप बेड पर है और कोई भी पोजीशन ले सकते हैं, इस तरह का मास्टरबेशन आप कर सकते हैं। तो मूड सेट करो, आवाज़ नहीं होना, डिस्टर्बेंस नहीं होना है, और कमरे में स्प्रे मार सकते हैं आप, स्नान करके कर सकते हैं, स्नान कर लेना और फिर बाद में मास्टरबेशन करना, ये हो सकता है। फिर आप तकिया को पास में लेके आप कल्पना कर सकते हैं कि आपका पार्टनर या आपका मनचाहा कोई व्यक्ति आपके साथ में है, ऐसा बड़ा बड़ा तकिया या लोड है, और उसको आप एक टॉय करके वापर सकते हैं, और आप सोच सकते हैं कि भाई आपका दोस्त है, आपका पति है, जो भी कोई आपका मनचाहा जो है वो आपके साथ में है, और उसको आप इमेजिन करके उसके साथ में खेल के मास्टरबेशन हो सकता है। तो इसका मतलब ये कि फैंटासाइज करना, जिसके बारे में आपको ज़्यादा चाहत है, जो आपको अच्छा लगता है, उसके में फैंटासाइज करो, आपके पति के बारे में, आपके बॉयफ्रेंड के बारे में, आपका जो भी कुछ इसके बारे में आप फैंटासाइज करते हैं, तो विजुलाइज कर सकते हैं। फिर आप या कोई सेक्सी वीडियोस दे सकते हैं कि भाई उस समय आपको एक्साइटमेंट आ जाए, ज़्यादा एक्साइटमेंट आना बहुत ज़रूरी है, और यदि एक्साइटमेंट कम है तो आप कोई सेक्स की वीडियो देख रहे हैं या कोई सेक्स की एक्टिविटी देख रहे हैं और आप एक्साइटमेंट ला रहे हैं, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा आनंद मिल सकता है। कुछ औरतें जो है वो शावर का इस्तेमाल करती है, शावर हेड जो है, तो शावर हेड जो है वो बहुत ज़्यादा फोर्स से पानी नीचे से लगाना, ताकि शावर जो आता है उससे क्लाइटोरल स्टिमुलेशन, वजाइनल स्टिमुलेशन बहुत अच्छा होता है, और उससे भी मास्टरबेशन अच्छा हो सकता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा आनंद मिल सकता है। फिर अभी जो है, अभी रिसेंटली काफ़ी लोग जो है वो अपने पार्टनर को कॉल करते हैं, व्हाट्सएप कॉल करते हैं, और व्हाट्सएप कॉल करके व्हाट्सएप मास्टरबेशन करते, मतलब एक दूसरे को देखना, नग्न देखना, एक्साइटमेंट करना, और अपना जो चाहे वो दूर है तो डेफिनेटली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो है वो है, वो ऐसा व्हाट्सएप पे देख के एक दूसरे को एक्साइट करके मास्टरबेशन करते हैं। जूम कॉल पे भी हो सकता है मास्टरबेशन, जूम पे भी और मास्टरबेशन आप कर सकते हैं और उसमें आनंद ले सकते हैं। मास्टरबेशन के लिए अलग अलग पोजीशंस आप ले सकते हैं, जैसे लाइंग फ्लैट ऑन द बेड, और फिर आप क्लाइटोरल स्टिमुलेशन कर सकते हैं, कोई झुक के कर सकता है, जब वजाइनल स्टिमुलेशन करना है, वजाइना में डालना है, तो बेड के ऊपर झुक के मास्टरबेशन हो सकता है। तीसरा है कि डॉगी स्टाइल में मास्टरबेशन करते, जब आप एनल मास्टरबेशन करते, डॉगी स्टाइल में आना, घुटनों के ऊपर ऐसा ये हो जाना, झुकना और मास्टरबेशन करना, ये भी हो सकता है। यदि बहुत ज़्यादा आनंद लेना है तो लोग आईने के सामने बैठे, पूरा नग्न होकर बैठ जाते हैं, और पूरे बॉडी को ल्यूब्स फांसना, फांस देना पूरे बॉडी को, जहाँ जहाँ स्पेशली इरोजिनस जोन है वहाँ वहाँ फांसना, वहाँ मसाज करना, एक्साइट करना, और अपने आप को देखना मिरर में और मास्टरबेट करते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लोगों को आता है और दे आर ऑन द टॉप। अच्छा, क्या होता है कि इसका फ़ायदा क्या है मास्टरबेशन करने का, एक तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है बहुत लोगों को, क्योंकि चलो अच्छा लगता है, हल्का लगता है, एंडोर्फिन जो है जो ब्रेन में एक्साइटेटरी हार्मोन्स है वो सीक्रेट ज़्यादा होते हैं सेक्स में, और उससे बहुत अच्छा लगता है। ऑर्गेज़म जो होता है उससे जो मज़ा आता है उससे काफ़ी लोग, काफ़ी औरतें बहुत ज़्यादा थक सकती है और उनको अच्छी नींद भी आ सकती है। कुछ लोगों को मास्टरबेशन से बहुत ज़्यादा लिबिडो, मतलब सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है, और वो उसका इस्तेमाल सेक्स करने के पहले करते हैं। क्या होता है कि काफ़ी लोगों को सेक्सुअल इंटरेस्ट नहीं है, औरतों को सेक्सुअल इंटरेस्ट नहीं है, मज़ा नहीं है,
तो फिर उनको हम सेक्स टॉयज देते हैं, वाइब्रेटर देते हैं, हम बोलते हैं कि पहले मास्टरबेट करो, खुद को एंजॉय करो, खुद को एक्साइट करो, और बाद में फिर पति के साथ में सेक्स करो। तो वो पहले अपने आप को तैयार करने के लिए भी मास्टरबेशन का इस्तेमाल करते हैं। मास्टरबेशन किसने करना चाहिए? मास्टरबेशन करना चाहिए नेचुरली कि आपका आपकी शादी नहीं हुई है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, बार 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 वही विचार आ रहे हैं, तो आप मास्टरबेशन करते हैं तो वो लेडी को अच्छा लगेगा, उसका सेक्स एनर्जी वो चैनलाइज हो जाएगा, उसको शांत लगेगा और उसका मन काम में लगेगा। तो शादी होने का है तो बहुत दिन पति पत्नी दूर है एक दूसरे से और टाइम नहीं मिलता है मिलने को, या समय मिलता नहीं है, दूरी है, तो उसमें फिर हर आदमी हर व्यक्ति मतलब पुरुष या स्त्री अपना अपना मास्टरबेशन करके अपना अपना एंजॉयमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, पति यदि बीमार है और उसको मना कर दिया है, उसको एनर्जी नहीं है, और इधर औरत की बहुत इच्छा हो रही है, तो वो मास्टरबेशन कर सकती है, और पति एक्चुअली उसको मास्टरबेशन करवा के दे सकता है इफ़ ही इज़ नॉट रेडी फॉर मास्टरबेशन। मास्टरबेशन उसके लिए भी, वो औरतों के लिए भी काम में आता है कि जिनके पति को प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, जल्दी गिर जाता है, इनको समाधान नहीं है, तो फिर क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट करो। मगर अभी आदमी ट्रीटमेंट करने को तैयार नहीं है, बोलता नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारी औरतें बोलती है हमारा आदमी तैयार ही नहीं है ट्रीटमेंट करने को, तो उनको फिर खुद को स्टिमुलेट करके उनको ऑर्गेजम कॉज करना पड़ता है, और पति के समाधान के लिए जितना उनके साथ में करना है उनका उतना उनके साथ में करते हैं। शादी के पहले तो हर लड़की, मतलब मैंने काफ़ी बोला कि बहुत सारी लड़कियां शादी के पहले तो करती है, ताकि शादी के पहले जब चाहे तब उनका वो आनंद लेके अपनी सेक्सुअल डिज़ायर वो पूरी कर सकती है। मास्टरबेशन करने के समय लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपका वजाना ड्राई हो, आपको इतना एक्साइटमेंट नहीं आया, तो आप यदि लुब्रिकेंट्स का वापर करते हैं, यार बहुत सारे लुब्रिकेंट्स मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, वाटर बेस्ड है, फिर ऑयल बेस्ड है, तो ऐसे अलग अलग जेली बेस्ड है, तो ऐसे लूब्स है, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी बढ़ता है। मास्टरबेशन कोई ऐसी जल्दी जल्दी करने वाली प्रक्रिया नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी कर लिया, ऐसा नहीं करना है, टेक योर ओन टाइम, आप आपका समय ले सकते हैं। इसलिए जब शांति है, आपको कोई आने वाला है, कोई बुलाने वाला है, प्राइवेसी मिलती नहीं है, मतलब ऐसे समय ना करते हुए शांति से आराम से आप मास्टरबेशन कर सकती है, और आप जितना भी समय चाहते हैं 10 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 2 घंटा आप कर सकते हैं मास्टरबेशन। मैं फिर से अगेन दोहरा रहा हूँ कि मास्टरबेशन कुछ गलत नहीं है, मास्टरबेशन स्त्री औरतें करती रहती है, और वो अपने खुद के समाधान के लिए करती है, और बाकी जो मैंने कारण बताया उसके लिए भी करती है, उसमें गलत कुछ भी नहीं है। जैसा पुरुषों में हस्तमैथुन गलत नहीं है, उससे कोई नुकसान होता नहीं है, जो भी लोगों के दिमाग में है, कॉमनली मुझे भी इतने में 2-4-8 दिन में इतने कॉल्स आए कि भाई मास्टरबेशन करने से एक्ने हो सकती क्या, मतलब पिंपल्स आते क्या, चेहरे के ऊपर दाग आते क्या, ऐसा कुछ भी नहीं होते रहता है मास्टरबेशन से, नथिंग। वीर्य जाने से मेरा मतलब ब्रह्मचारी नहीं रहूँगा मैं तो एनर्जी खत्म हो जाएंगे, ऐसा भी कुछ होता नहीं है। मास्टरबेशन टोटली नॉर्मल है, मगर आप मास्टरबेशन ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा, तो उसका एडिक्शन ही होगा तो प्रॉब्लम है। फिर क्या होता है कि जैसा मैंने बताया कि 10 में से 4 औरतों ने बोला कि नहीं हमको मास्टरबेशन ही अच्छा लगता है। अब यदि एडिक्शन हो गया, लत लग गई, और वो उसके हस्बैंड के पास में तैयारी नहीं, उसको मज़ा ही नहीं आ रहा है, तो और प्रॉब्लम हो जाएगा हस्बैंड के लिए। तो लत लगने इतना नहीं करना है, जब चाहे तब, मतलब मास्टरबेशन जो है वो अपना सर्वेंट होना चाहिए, जब चाहे तब करेंगे, अपन उसका सर्वेंट नहीं होना है कि भाई ज़बरदस्ती करना ही पड़ता है। तो मास्टरबेशन से सतर्क रहो, मतलब उसके एडिक्शन से स्पेशली, और बाकी उस समय कुछ गलत नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई आर्टिकल आप डालते हो तो उससे कोई इंजरी होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और एक लोगों का यह है कि भाई क्या जब औरत प्रेग्नेंट होती है तब करना चाहिए, तो डेफिनेटली, क्योंकि क्या होता है कि पहले 3 महीने बहुत बार ऐसा होता है कि सेक्स करने के लिए डॉक्टर मना करते हैं, तो इस समय पुरुष भी कर सकता है अपना मास्टरबेशन, स्त्री भी अपना मास्टरबेशन करके समाधान कर सकती है, दोनों एक दूसरे का मास्टरबेशन करके दोनों को प्लेजर दे सकते हैं। वैसे आखिरी के 3 महीने, आखिरी के 3 महीने भी यूजुअली हम रिकमेंड करते कि टालो सेक्स करना, तो उस समय भी म्यूचुअल मास्टरबेशन कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी लोगों को शेयर करो, ताकि स्पेशली फीमेल्स को जिनको इसके बारे में गलत फहमियाँ हैं और फिर गिल्टी भी लगता है, उसमें वो डिप्रेस भी होती है, ये टोटली नॉर्मल प्रक्रिया है। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू।